देश के स्वतंत्रता सेनानियों और संविधान निर्माताओं के सपनों को साकार कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। मेरा एक मंत्र रहा है, सबका साथ सबका विकास, लेकिन साथ जुड़ता है सबका न्याय। तो सबका साथ सबका विकास सबका न्याय। न्यायिक सशक्तिकरण की इस मुहिम को तेज करने के लिए ही न्याय विभाग भारत सरकार ने टेली लॉ स्कीम चलाई है। टेली लॉ न्याय विभाग द्वारा संचालित एक ऐसी योजना है जो एक्सेस टू जस्टिस यानी कि सभी के लिए न्याय सुनिश्चित कराने का बुनियादी कार्यक्रम है। इस योजना के अंतर्गत समाज के वंचित, शोषित एवं गरीब वर्गों को मुफ्त कानूनी सलाह उपलब्ध कराई जाती है। टेली लॉ समाज के अंतिम व्यक्ति तक न्याय पहुंचाने के प्रति मोदी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। लॉकडाउन के दौरान श्रीनगर के वसीम को मेडिकल जरूरतें उपलब्ध करवाना हो या महाराष्ट्र के गंगाराम को उनके अपने खेत तक पहुंचने का वैध रास्ता दिलवाना, झारखंड की तेजिया देवी का जमीन रजिस्ट्री सर्टिफिकेट में उनका नाम सही करवाना, सफलता की ये सच्ची कहानियां प्रेरणादायक हैं। टेली लॉ की यात्रा साल 2017 में 11 राज्यों के 1800 CSC सेंटर्स के माध्यम से शुरू हुई। तब लाभार्थियों की संख्या 12,000 थी। साल 2021 में से बढ़ाकर देश के 633 जिलों में लागू किया गया, जिसमें 115 आकांक्षी जिले थे। इस तरह अब तक 50,000 CSC सेंटर्स की मदद से कानूनी सलाह सहायक केंद्र द्वारा लाभार्थियों की कुल संख्या 12 लाख के आंकड़े को पार कर चुकी है। अक्टूबर 2021 तक टेली लॉ के तहत हर तरह के मामलों में मदद मिली है। इन मामलों में मुख्य रूप से पात्रता संबंधी केस, जमीन एवं संपत्ति विवाद, आपराधिक मामले, पारिवारिक विवाद, महिलाओं से संबंधित मामले, बाल श्रम, शिक्षा और पॉक्सो एक्ट से संबंधित केस और कोविड संबंधी मामले शामिल हैं। इन लाभार्थियों में महिलाओं के साथ साथ अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग शामिल हैं। सफलता की यही रफ्तार रही तो साल 2026 तक लाभार्थियों की ये संख्या 90 लाख से 1 करोड़ तक पहुंच जाएगी। लगातार बढ़ रही इस जरूरत को देखते हुए न्याय विभाग टेली लॉ स्कीम को नागरिक मोबाइल ऐप के रूप में पेश करने जा रही है। प्रधानमंत्री जी के डिजिटल इंक्लूजन के सिद्धांत से नए भारत का निर्माण हो रहा है। टेली लॉ इसी डिजिटल इंक्लूजन के तहत नागरिकों के लिए प्री लिटिगेशन सलाह देने का एक सशक्त माध्यम है। सबका प्रयास सबको न्याय, ये हमारा मकसद है। आइए आज़ादी के अमृत महोत्सव पर अपने अधिकारों के लिए कानूनी सलाह टेली लॉ के माध्यम से हासिल करके आत्मनिर्भर और सशक्त बनें।